हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं 16 से 20 अक्टूबर तक जो प्रदर्शनी हुई थी दुबई में, उसकी कुछ रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी यहां पर न्यूज़ सेक्शन में नहीं आई है। तो इसलिए अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, न्यूज़ सेक्शन में जैसे ही उसकी कोई रिपोर्ट आती है यूएसटी की, मैं आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी, यहाँ पर जो टेस्ट हुआ है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। यूएस की ट्रांसपोर्ट से परिवहन समाधान के क्षेत्र में आशाजनक प्रौद्योगिकियाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। 16 से 20 अक्टूबर तक कंपनी अपने अभिनव परिवहन प्रदर्शन समाधानों का प्रदर्शन करते हुए जीटेक्स 2023 में भाग ले रही है। यह आयोजन पर्यावरण अनुकूल और कुशल परिवहन प्रणालियों में बढ़ती वैश्विक रुचि को बढ़ाता है। बहुत सारी इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो पर्यावरण को फैलाती नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल है, और वो सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर भाग लेंगी। उसमें से जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ेंगी, ठीक है। उसमें कई सारे प्रदेश हैं, तो मैं कई सारे देश हैं उनके बारे में अभी मैं बताऊँगा। जो निवेश के लिए टिकाऊ और अभिनव परियोजना की तलाश करने वाले संभावित निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बीच ईस्टिंग परिवहन समाधानों में प्रगति इसी गति से जारी है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजा में यू स्काई टेस्ट एंड सर्टिफिकेट सेंटर में यू स्काईरेट का हालिया परीक्षण चरण इसके व्यावसायिक लॉन्च के करीब होने का संकेत देता है। संचार प्रणालियों, एंटीना और पोजिशनिंग सेंसर का कठोर परीक्षण उनके परिवहन बुनियादी ढांचे के समाधानों की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डेवलपर की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है। मतलब वहाँ पर सेंसर कैमरास लगे हुए हैं, वो बताता है कि इसमें कितना वजन है, कैसे काम करता है, उसकी वो सुरक्षित है या नहीं है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम उस पर होता है। कंपनी की विकास रणनीति का एक अनिवार्य पहलू वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है देना रहा है। एमिरेट्स एनवीडी के एक डिवीजन के प्रतिनिधियों की यू स्काई टेस्ट एंड सर्टिफिकेट सेंटर की हालिया यात्रा ने यू स्काई में स्काई के हरित परिवहन समाधानों को लागू करने के लिए अवसरों का खुलासा किया है। यह साझेदारी संभावित रूप से यू स्काई प्रौद्योगिकियों के आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम करता है। अभी आपने देखा जो यहाँ पर तहैयब हुआ है, वो दोनों कंपनी मिलकर भारत में, जो अभी नितिन गडकरी जी वहाँ पर गए हुए थे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। भारत में ये टेक्नोलॉजी लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, कब शुरू होता है। हालांकि ये परियोजना अभी भी निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। 31 अक्टूबर तक RSW सिस्टम पर एक लाभकारी लेकिन सीमित ऑफर उपलब्ध है, जो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो यूएसटी प्रौद्योगिकी के विकास और कार्यान्वयन के लिए निवेश बढ़ाने के लिए समर्पित है। अभी एक ऑफर चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर है। यहाँ पर आपको 3 गुना शेयर उपलब्ध हैं। अभी उस ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है उन निवेशकों के लिए जो लोग निवेश करते हैं। लेकिन आप उतना ही निवेश करें जितना आपके पास, जितना अफोर्ड कर सकें। मतलब आप सोचें कि यार हम निवेश करते हैं, अभी 3 महीने बाद 4 महीने बाद इसको निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ हो सकता। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। आटम ब्रेकआउट अभियान निवेशकों और सक्रिय समुदाय सदस्यों को दोनों के लिए विशेष बोनस और अवसर प्रदान करता है। विस्तृत नियम और शर्तें प्लेटफॉर्म के संसाधनों पर पाई जा सकती हैं। अंत में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बीच यूएसटी इंक के मुख्य डिजाइनर अनातोली यूनिस्की ने रॉकेट लेस स्पेस एक्सप्लोरेशन पर VI अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने पेशेवर समुदाय को एक विचारों से समर्थ किया और डेवलपर पर कंपनी की वैश्विक तकनीकी रुझानों की गहन समझ को प्रदर्शित किया। और भी यहाँ पर बहुत कुछ है, तो मैं आप लोगों को प्रदर्शनी के बारे में भाग ले रही हैं, यहाँ पर जो भाग ले रही हैं उसका मैं बता देता हूँ लोगों। यूएसटी टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंटेड एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन शो हो रहा है अभी, जो 16 से 20 तारीख हो, उसकी कोई भी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, मैं बता चुका हूँ। जीटेक ग्लोबल 2023
थे जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का 43वां संस्करण है, दुबई में शुरू हो गया है। यह 16 से 20 अक्टूबर तक 2 मेगा स्थानों दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्डवेयर पर चलेगा। यूएसटी तकनीकी इस बड़े पैमाने के आयोजन का हिस्सा बनी और यह कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य कई क्षेत्रों को समर्पित है। मुख्य कार्यक्रम के अलावा जिटेक्स ग्लोबल, विभिन्न गोल्ड मेज चर्चाओं, सम्मेलनों, ब्रीफिंग और सेमिनारों से भरा है। यहाँ दुनिया भर के प्रमुख विशेषज्ञ राय का आदान प्रदान करते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी के भविष्य का निर्माण करते हैं। इस वर्ष की जिटेक्स ग्लोबल में 10 संयुक्त प्रदर्शनियाँ शामिल हैं। शारजा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क के साथ यूएसटी परिवहन और बुनियादी ढांचे के समाधान फ्यूचर ऑर्गेनिज में एक्सपो में प्रदर्शित किए गए। ये कार्यक्रम दुनिया के अग्रणी नवाचारों पर प्रकाश डालता है जो स्मार्ट शहरों के निर्माण में योगदान करते हैं, यानी कहीं भी इसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। यूनिस्की स्टिंग टेक्नोलॉजी इंक द्वारा पेश किया गया यह समाधान शहरी लॉजिस्टिक्स को बेहतरी से बदल देगा। यूपोर्ट स्टिंग रेस पर जमीन से ऊपर चलते हैं, परिवहन प्रणाली सड़क दुर्घटनाओं को समाप्त करती है, ट्रैफिक जाम और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करती है। कोई प्रदूषण नहीं होगा इससे। यह अन्य प्रकार के ओवरपास परिवहन की तुलना में कम सामग्री खपत के साथ उच्च गति और आराम की विशेषता है। यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा और यहाँ पर जो ओवरपास बनाए जाते हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, यहाँ कोई भी खर्चा मतलब होगा जो कम होगा। साथ ही यूएसटी परिवहन प्रणाली स्वचालित है जो मानवीय कार्य को छोड़कर यात्रियों के आरामदायक सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करता है। यहाँ भी कोई भी ये स्वचालित है, कोई भी यहाँ पर ड्राइवर नहीं रहेगा, ड्राइवरलेस होगा। हम इस आयोजन को न केवल दूसरे स्तर परिवहन के लाभों को प्रदर्शित करने का अवसर मानते हैं बल्कि सहयोग विकल्पों पर चर्चा के लिए एक संवाद मंच भी मानते हैं। हमें उम्मीद है जिटेक्स ग्लोबल में भागीदारी नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक कदम होगी, यूस्काई टेस्ट एंड सर्टिफिकेट सेंटर के प्रतिनिधि ओलेग जेस्की ने कहा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रदर्शनी में यूएसटी तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। 2021 में यूएसटी के जनरल डिजाइनर अनातोलीनस्की ने भविष्य में ग्रहों की गतिशीलता को अनुकूलित करने के लिए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, यानी वहाँ पर क्या चलता है। ठीक है, यानी आपके भविष्य में कैसे ग्रह चल रहे हैं, ये इस बार भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। जीटेक्स ग्लोबल 1991 से आयोजित किया जा रहा है, कोई अभी से आयोजित नहीं हो रहा है, पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष प्रदर्शनी में 170 से अधिक देशों के 6000 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं। इसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चीन, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, रूस, सऊदी अरब, मिस्र, सिंगापुर, बेल्जियम, मोरक्को, हंगरी, स्पेन, इटली, तुर्की और अन्य देश शामिल हैं। प्रदर्शनियों में लगभग 251,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ 41 प्रदर्शनी हॉल हैं, यानी वहां पर 41 हॉल हैं जिसमें प्रदर्शन शोर रखे जाएंगे। जीटेक्स ग्लोबल अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के साथ साथ कई नई पीढ़ी के स्टार्टअप दोनों के विकास को प्रस्तुत करता है। आप 20 अक्टूबर तक प्रदर्शनी देख सकते हैं। यूनिस्की स्टिंग टेक्नोलॉजी इंक अपने भागीदारों और प्रौद्योगिकियों में रुचि रखने वाले सभी लोगों को यूएसटी प्रस्तुत देखने के लिए आमंत्रित करता है। यह S30 S15A स्टैंड पर होगा। तो यहाँ पर की अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर परीक्षण चरण व्यावसायिक लॉन्च के करीब होने का संकेत देता है। यूएस कैरियर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कमिश्निंग, तो यहाँ पर जो यूएस कैरियर कमिश्निंग का अगला चरण स्काई टेस्ट एंड सर्टिफिकेट सेंटर में शुरू हो गया है। इस बार नई इलेक्ट्रॉनिक कार ने टेस्ट ट्रैक्स 4 की पूरी लंबाई के माध्यम से एक टेस्ट ड्राइव की जो 2.4 किलोमीटर लंबी है। ट्रैक 4 के बारे में कई बार मैं बता चुका हूँ और ये भी
मैं बता चुका हूँ कि इसमें काम चल रहा है। कई जगह कई बार मैंने इसका वीडियो बनाया है। वर्तमान में स्काई ट्रांसपोर्ट टीम संचार प्रणाली और इंटरमीडिएट और एंकर सपोर्ट पर एंटेना के संचालन और ट्रैक संचालन पर पोजिशनिंग सिस्टम के सेंसर का परीक्षण कर रही है। सेंसर ऑटोमेटिक सिस्टम को लॉन्च करने के लिए सेंसर और कैमरास वगैरह लगाए जाते हैं और यहाँ पर एंटीना का जो देखा गया कि ये किस तरह से काम करता है। निकट भविष्य में वाहन के वजन पर अंकुश के साथ टेस्ट ट्रैक चार के गतिशील परीक्षण शुरू करने की योजना बनाएगी। यानी वो सेंस करेगा कि यहाँ पर इसमें कितना वजन है, कितना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैसे सवारी बहुत ज़्यादा अगर भर गई तो वो भी बताएगा कि यहाँ पर वजन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जितनी सीट है उतने तो बैठे ही हैं लोग, कभी कभी क्या है वहाँ पर लोग खड़े भी हो जाते हैं जिससे वजन बढ़ जाता है। तो वो उसके साथ साथ में ये सेंस करेगा इसमें कितना वजन रहना चाहिए, कितना ओवर है, तो ओवर है अगर उसमें तो वहाँ से कम किया जाए वजन। ये आप देख सकते हैं, ये कोई ग्राफिक चित्र नहीं है, ग्राफिक डिजाइन नहीं है। संचार प्रणालियों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है कि वे सही ढंग से काम करते हैं, एक विश्वसनीय कनेक्शन प्रदान करते हैं, सभी लागू आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये यहाँ से कैमराज द्वारा जो पिक्चर लिए गए ये आप देख सकते हैं। एंटीना फंक्शन परीक्षण का यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है कि एंटीना सिस्टम सही ढंग से काम करता है और एक विश्वसनीय कनेक्शन प्रदान करता है। ट्रैक संरचना पर परिवहन के स्थान के बारे में डेटा की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पोजिशनिंग सिस्टम सेंसर का परीक्षण आवश्यक है। यह स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त प्रणालियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ नेविगेशन और पोजिशनिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब ट्रैक किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा है ये भी सेंस करता है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा किधर जा रहा है वाहन। इसके बाद में ये देख सकते हैं, गतिशील परीक्षण सिस्टम डेवलपर और इंजीनियरों को ट्रैक संरचना की विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ये बाहरी प्रभावों और गतिशील भार सहित परिचालन स्थितियों का सामना कर सकता है। यानी कोई भी अगर प्रभाव पड़ता है तो उसका भी ये सामना कर सकता है, बहुत तेज़ अगर आंधी पानी आता है तो उसका भी सामना कर सकता है। तो ये सारे पिक्चर्स मैंने दिखाए हैं जो कि आप अपनी आईडी में अगर लॉगिन करेंगे तो न्यूज़ सेक्शन में जाकर ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको न्यूज मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला न्यूज, तो दोस्तों एक बैंक है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है ये जो स्काईवे टेक्नोलॉजी की, तो उन्होंने यहाँ पर जो स्काई टेस्ट एंड सर्टिफाइड सेंटर का उन्होंने दौरा किया, सब कुछ देखा वहाँ पर। और ये बैंक 13 देशों में उपस्थित 17 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा देने का कार्य करती है और ये सबसे उस क्षेत्र का अग्रणी बैंकिंग समूह है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलपमेंट करने के लिए उत्साहित करता है जो टिकाऊ हैं, कुशल हैं और यहाँ पर जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग को कम करने के लिए एक सर्वव्यापी पहल है। उन्होंने यह सेवा शुरू की है और भी यहाँ पर जो न्यूज है वो आती रहती हैं, उनको भी आप देखा करें, उसके बारे में जानकारी रखें और लोगों को भी बताएं ये टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे फ्यूचर में काम आने वाली है, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो उन लोगों तक कोई भी न्यूज़ नहीं पहुंच पाएगी। कोई अगर निवेश करना चाहता है इसमें तो निवेश कर सकता है, अगर हम बताएंगे नहीं तो वो निवेश नहीं करेंगे, बाकी उनकी मर्जी है, बताने का काम है हमारा। ओके, काफ़ी ज़्यादा ऐसी बैंक्स होती हैं जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं करती कि अभी इस टेक्नोलॉजी आ गई ये चलेगी कि नहीं चलेगी ऐसा, ठीक है। तो ये बैंक है जो सपोर्ट करती है, तो इसमें और भी देख लेते हैं कोई न्यूज अगर है तो। तुरंत इस टेक्नोलॉजी में जो भाग लिया है जिसने, ये पानी में चलने वाली कार जो कि पुलिस के पास रहती है, ये ज़मीन पर भी चलती है और ये पानी में भी चलती है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में यहाँ पर ये एक रोबोट है जो किसानों के लिए, ये खेती की देखभाल करने, फसल कैसी है कैसी नहीं है उसकी देखभाल के लिए ये उसी प्रदर्शनी में है जो 16 से 20 अक्टूबर में ये प्रदर्शनी में भाग लिया था।
अच्छी तरह से काम करता है, कई लोगों का काम ये एक साथ में करता है। इसके बाद में यहाँ पर ही डॉग है, रोबोटिक डॉग जो कई इंसान का काम करता है और ये देखभाल भी कर सकता है। इसमें कैमरास और सेंसर लगे हुए हैं जो सभी जगह देख रेख कर सकता है। और इसी तरह से एक कार भी है जो कि उस कैमरा और सेंसर से लैस है, जो सभी जगह यानी सड़कों पर ऑटोमेटिक सिस्टम से चल सकती है बिना ड्राइवर के। और वो नज़र रखते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना वगैरह नहीं हो रही है, जैसे अपने सड़कों पर कैमरास वगैरह लगे हुए होते हैं। तो ये क्या गाड़ियों का नंबर भी पढ़ सकती है, सेंस कर सकती है कोई दुर्घटना या फिर कोई ऐसी घटती है, तो उनके फोटो वीडियोस बनाकर सेंटर में भेज देती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी नई न्यूज़ आते ही मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और फिलहाल न्यूज़ सेक्शन से आप ज़रूर जुड़े रहें, और जो टेक्नोलॉजी टेलीग्राम चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ पे जो भी न्यूज़ आती है वहाँ पर भी आ जाती है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।